नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। आज है 13 जुलाई। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आज आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। देश भर में आज मनाया जा रहा है गुरु पूर्णिमा। बिहार में कांवड़ यात्रियों को लेकर सरकार ने लिया अहम फैसला। पहली बार बिहार विधानसभा पहुंचे पीएम ने की बिहारियों की जमकर तारीफ। आज की गंगा आरती में दिखेगा बनारस जैसा मनोरम दृश्य। अगर होटल वाले जबरदस्ती करते हैं टिप की वसूली तो यहां करें शिकायत। तो आइए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। देश भर में आज मनाया जा रहा है गुरु पूर्णिमा। देश भर में आज मनाया जा रहा है गुरु पूर्णिमा। गुरुओं को समर्पित दिवस गुरु पूर्णिमा आज देश भर में मनाया जा रहा है। सदियों से मनती आ रही इस पूर्णिमा का बेहद खास महत्व है। दरअसल आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेद व्यास स्वयं ईश्वर के स्वरूप थे। उन्होंने ही चारों वेदों का संकलन और महाभारत की रचना की थी। इसलिए इस दिन महर्षि वेद व्यास को याद करते हुए लोग अपने गुरु की पूजा करते हैं। शिष्यों के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है। कहा गया है कि इस दिन गुरु पूजन से जातक की कुंडली में गुरु दोष व पितृदोष समाप्त होता है। बताते चले कि इसे लेकर अहले सुबह सूर्योदय से पहले ही बिहार में भी श्रद्धालुगणों की भीड़ गंगा स्नान के लिए जुटती दिखी, तो वहीं घाटों पर मेले जैसा आयोजन दिख रहा है। बिहार में कांवड़ यात्रियों को लेकर सरकार ने लिया अहम फैसला। कोरोना महामारी की वजह से बीते 2 सालों से बिहार में कांवड़ यात्रा बंद थी, मगर इस साल कांवड़ यात्रा हो रही है, जिसे लेकर सरकार हर तरह से अलर्ट है। इसे लेकर बिहार सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत कांवड़िया पथ पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात करने की तैयारी हो रही है। आपको बताते चले कि देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच कांवड़ यात्रा आधिकारिक रूप से 14 जुलाई से शुरू होने वाली है। ऐसे में बिहार से होकर गुजरने वाले कांवड़ यात्रियों सुविधा के लिए कोविड टेस्ट और टीकाकरण की व्यवस्था रहेगी। यात्रियों की जांच के लिए शिविर भी लगाए जाएंगे, जिसमें 25-25 की संख्या में डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी मौजूद होंगे। अब नए तरीके से होगी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बहाली। लगातार मिल रही गड़बड़ी की शिकायतों के बाद अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली प्रक्रिया में बदलाव होने जा रहा है, जिसके तहत ही नए तरीके से भर्ती करने के लिए नियमावली तैयार हो गई है। जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम के जनता दरबार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बहाली में धांधली को लेकर कई आरोप लगे थे, जिसके बाद सीएम के द्वारा जांच के निर्देश मिलने के बाद सरकार ने नई नियमावली तैयार कर ली है। विभागीय मंत्री मदन सहनी की माने तो अगले कैबिनेट मीटिंग में इसे मंजूरी मिलने की संभावना है। बिहार के सारण जिले के चिरांद में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। चिरांद छपरा से 11 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में डोरीगंज बाजार के समीप घाघरा नदी के उत्तरी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। चिरांद ताम्र पाषाण काल और नव पाषाण काल इन दोनों कालों का जीता जागता गवाह है, जहाँ पर खुदाई करने पर बौद्ध काल, ताम्र पाषाण काल और नव पाषाण काल के प्रमाणिक अवशेष प्राप्त है। सन 1962-1963 में प्रोफेसर बीपी सिन्हा के द्वारा इस स्थल का करवाया गया। उत्खनन से 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले। इसकी कार्बन तिथि ईसा पूर्व 3900 ज्ञात हुई। जारी हुआ नीट परीक्षा का एडमिट कार्ड। अगर आप भी नीट की परीक्षा में इस साल शामिल होने वाले हैं तो आज की हमारी यह खबर आपके लिए बेहद ही खास है, क्योंकि बीते दिन ही नीट परीक्षा को लेकर एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जो कि उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जारी कर दिए गए। नीट परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र अब अपने एडमिट कार्ड NTA की वेबसाइट या यहाँ दिए जा रहे डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के जरिए लॉग इन करके एडमिट प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2022 17 जुलाई 2022 को देश के 497 शहरों और देश से बाहर 14 शहरों में आयोजित की जाएगी। मोतिहारी में इस फेमस झील में बनेगा तैरता हुआ रेस्टोरेंट। बिहार के मोतिहारी जिले के सबसे प्रसिद्ध स्पॉट मोती झील का कायाकल्प हो रहा है और जल्द ही यहां तैरता हुआ रेस्टोरेंट देखने को मिल सकता है। दरअसल लंबे समय से यह झील जलकुंभी के कारण बेकार पड़ा था, मगर जिले में रोइंग क्लब से मिसकोट तक 2 लेन सड़क के निर्माण के कारण इस झील को एक पर्यटन हब के रूप में बनाने की कवायद की जा रही है, जिसके तहत झील को साफ कराने के साथ ही सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। खुशी की बात यह है कि इस झील पर वाला चलंत रेस्टोरेंट बनने का प्रस्ताव भी है, जिसके बाद यहां की कायाकल्प बदल जाएगी। बता दें कि 22 करोड़ की राशि से मोती झील का विकास किया जा रहा है।
नालंदा की अंशु मचाएगी फिलीपींस में धमाल। एक बार फिर से बिहार की बेटी अपनी माटी का नाम विदेश में चमकाने वाली है। जी हां, नालंदा की रहने वाली अंशु कुमारी जो कि महज 14 साल की है, वह फिलीपींस में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप अर्निस गेम में भाग लेने जा रही है। आपको बता दें कि प्रतियोगिता 18 जुलाई से फिलीपींस में शुरू होगी। तो वहीं इतनी कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल करने पर अंशु को ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बीते दिन सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही अंशु पर गर्व है, साथ ही उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि बिहार की बेटियां विश्व भर में भारत का प्रतिनिधित्व कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। उन्नत कंप्यूटिंग के विकास केंद्र CDAC दिल्ली ने निकाली रिक्तियां। उन्नत कंप्यूटिंग के विकास केंद्र CDAC दिल्ली ने सहायक अभियंता के कुल मिलाकर 104 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक विषय में स्नातक या PG डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 18 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.cdac.in पर जाकर इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी ले सकते हैं। प्रदेश में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान। बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून भले ही सक्रिय हो, लेकिन इसके बाद भी बारिश नहीं हो रही है। मौसम विभाग की माने तो 15 जुलाई से पहले प्रदेश में मूसलाधार बारिश होने की संभावना ना के बराबर है। प्रदेश में इन दिनों लोग तेज गर्मी और उमस से परेशान है। हालांकि विभाग ने यह कहा है कि इस दौरान प्रदेश के कई इलाकों में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह समय धान की खेती का है। बारिश नहीं हुई तो धान की फसल को काफी नुकसान होगा। हालांकि प्रदेश में चल रही हवा से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। ऐसे में बस उम्मीद की जा रही है कि जितनी जल्दी बारिश हो जिससे कि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। 8वीं के बच्चे हाई स्कूल का करेंगे अकादमिक भ्रमण। बिहार की अब सभी प्रारंभिक विद्यालयों की कक्षा 8 के बच्चे नजदीक के सरकारी या निजी हाई स्कूल प्लस 2 का अकादमिक भ्रमण करने वाले हैं। शिक्षा विभाग के बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने प्रदेश भर के 8वीं कक्षा वाले करीब 9000 स्कूलों को ट्विनिंग ऑफ स्कूल योजना के तहत चिन्हित किया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस दौरान छात्र समग्र शिक्षा के तहत ट्विनिंग ऑफ स्कूल के तहत उनकी यह यात्रा होगी। इस दौरान बच्चे माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की पढ़ाई समेत तमाम श्रेष्ठ कार्यों को समझने की कोशिश करेंगे। खबर के अनुसार इसके लिए प्रति विद्यालय 2000 रुपए दिए गए हैं। BEP ने जिलावार सूची भेजकर ट्विनिंग ऑफ स्कूल योजना का लाभ लेने वाले स्कूलों की संख्या के मुताबिक कुल 1.80 करोड़ जिलों की उपलब्धि भी करा दी है। शिक्षा सचिव सह बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक असंगम्बा चुबा आओ ने इस बात की जानकारी दी है। अकूत कालाधन रखने के आरोप में BMSICL के GM हुए बर्खास्त। बिहार में एक बार फिर से सरकारी अधिकारी को कालाधन अर्जित करने के मामले में बर्खास्तगी मिली है, जिसके तहत BMSICL के GM संजीव रंजन को सरकारी पद पर रहते हुए अकूत संपत्ति अर्जित करने के मामले में बर्खास्त किया गया है। आपको बताते चले कि पिछले महीने 28 जून को ही आरोपी GM के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसके बाद उनके नाम पर पटना समेत शेखपुरा में 5 करोड़ का आलिशान मकान होने का पता चला था। साथ ही उनकी पत्नी के नाम कर्नाटक में भी मकान खरीदे जाने की बात सामने आई, जिसके बाद ही संजीव रंजन पर पद का दुरुपयोग कर अवैध कमाई करने को लेकर केस दर्ज हुआ था। अगर होटल वाले जबरदस्ती करते हैं टिप की वसूली तो यहाँ करें शिकायत। होटल संचालक अब ग्राहकों से मनमाना सर्विस चार्ज नहीं वसूल पाएंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो शिकायत करने पर उन पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है। इसकी शिकायत आप CCPA को ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने होटल, रेस्टोरेंट या फिर ढाबा में खाने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए जबरन सर्विस टैक्स देने से राहत दी है। अब टिप देना ग्राहक की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर टिप के लिए आपके साथ जबरदस्ती की जाती है तो आप इसकी शिकायत 1915 नंबर पर कॉल करके कर सकते हैं या फिर www.edaakhil.nic.in पोर्टल और मंत्रालय की मेल ID comccpa@nic.in को भी शिकायत कर सकते हैं। आज की गंगा आरती में दिखेगा बनारस जैसा मनोरम दृश्य। राजधानी पटना के गायघाट गंगा तट पर आज शाम गुरु पूर्णिमा के मौके पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। यही नहीं, इस भव्य आरती में आपको बनारस के गंगा तट पर होने वाले आरती जैसा मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। आरती के लिए 7 पुरोहित शामिल होने के साथ ही बनारस के डमरू दल एवं ढोल दल की प्रस्तुति के साथ 5100 आटा का दिया भी गंगा जी में प्रवाहित किया जाएगा। आरती के मौके पर 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं की जुटने की उम्मीद है।
है, तो वहीं इन श्रद्धालुओं में बिहार के पथ निर्माण मंत्री, सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, विधायक एवं पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, पूर्व मेयर सीता साहू सहित कई विधायक व अन्य गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में आने की अपनी स्वीकृति दी है। पहली बार बिहार विधानसभा पहुंचे पीएम ने की बिहारियों की जमकर तारीफ। बीते दिन बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में पहुंचे पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बिहार और बिहारियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिहार को आप जितना प्यार करेंगे उससे ज्यादा प्यार आपको वापस मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गौरवशाली इतिहास और विरासत की भी खूब चर्चा की, साथ ही विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र की धरती वैशाली की चर्चा भी की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज अगर देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और बिहार विधानमंडल भवन के 100 साल पूरे हुए तो इसमें भी एक संदेश छिपा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार का ये सौभाग्य है कि जो बिहार से स्नेह करता है बिहार उस प्यार को कई गुना करके लौटाता है। आज मुझे बिहार विधानसभा परिसर में आने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य भी मिला है। आज पटना पहुंचेगी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मत पेटी। 16वें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज मतपत्र, मत पेटी, पेन सहित अन्य सामग्रियां राजधानी पटना पहुंचने वाली है, जिसके तहत एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-415 में मिस्टर बैलेट बॉक्स नाम के स्पेशल टिकट के साथ इन्हें दिल्ली से पटना लाया जा रहा है। आपको बताते चले कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचन आयोग के द्वारा उपलब्ध कराए गए बैलेट बॉक्स को भेजा जाना है। इसी कड़ी में आज चुनाव संबंधी ये सामग्रियां पटना पहुंचने वाली है। आपको बता दें कि फ्लाइट में इन्हें रखने के लिए अलग से स्पेशल टिकट भी बुक्ड है। साथ ही हवाई जहाज की आगे की पंक्ति में सहायक रिटर्निंग अधिकारी व एक अन्य अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर इसकी देखरेख करते हैं। कृषि मंत्री ने बारिश नहीं होने पर जताई गंभीर चिंता। बिहार में अनावृष्टि की स्थिति बनती जा रही है। बेहद कम वर्षा होने से खरीफ फसलों पर गंभीर असर पड़ रहा है। बता दें कि जुलाई का महीना यानी खरीफ सीजन आ गया है, लेकिन अब तक धान की रोपनी शुरू नहीं हुई है। हर साल की तुलना में इस बार सबसे कम, सामान्य से 33% कम बारिश हुई है। तो वहीं सुखाड़ व अनियमित मानसून से निपटने के संदर्भ में बीते दिन कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया, जिसमें उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि अगले एक हफ्ते में पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं पड़ी तो इसका असर धान के साथ साथ अन्य फसलों पर भी पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने किसानों को हर संभव मदद को लेकर आश्वस्त किया। तेजस्वी यादव ने की पीएम से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण करने राजधानी पटना पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल फागू चौहान, सीएम नीतीश कुमार सहित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग उठाई। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, इसलिए यहां से एक संदेश देश भर में जाने चाहिए। नेता ने मांग की कि स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी जैसी संस्था प्रभावी हो ताकि विभिन्न पहलुओं पर शोध और प्रशिक्षण दिया जा सके। आशा है कि आप हमारी मांग को पूर्ण करेंगे। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से कहा कि आप जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे, हर किसी की यही हार्दिक इच्छा है। लालू प्रसाद यादव को श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने की नहीं दी गई अनुमति। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत इन दिनों खराब चल रही है, जिसके बाद से ही उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। इसी बीच जो खबर आई उसने राजद समर्थकों में आक्रोश पैदा कर दिया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बीते दिन लालू प्रसाद यादव को श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने की इजाजत अस्पताल के अंदर नहीं दी गई। इसके बारे में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। तेज प्रताप के अनुसार लालू प्रसाद यादव को एम्स में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने और सुनने से रोका गया है, जबकि पिताजी को गीता पाठ पढ़ना एवं सुनना काफी पसंद है। गीता पाठ के रोकने वाले उस अज्ञानी को ये नहीं पता कि इस महापाप की कीमत उसे इसे जन्म चुकानी होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे बिहार। प्रधानमंत्री मोदी के बाद आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज यानी कि बुधवार को बक्सर आने वाले हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और नव निर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भी आएंगे। खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के पिता की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने ये सभी बिहार आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मंत्री दयाशंकर सिंह मूल रूप से बिहार के बक्सर जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के छोटकार राजपुर निवासी, यूपी की राजनीति में सक्रिय है। वे योगी सरकार के परिवहन मंत्री है। 9 जुलाई को उनके पिता विंध्याचल सिंह का निधन लखनऊ SPGI में इलाज के दौरान हो गया था। पिता के निधन के बाद दयाशंकर सिंह काफी भावुक हो गए थे।
बिहार में इस खास प्लान के जरिए मजबूत होगी भाजपा। भाजपा बिहार के हर वर्ग के बीच अपनी गहरी पैठ बनाने की तैयारी में है। यही वजह है कि भाजपा ने एक खास मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत पार्टी अपनी स्थिति को सभी 243 विधानसभा सीटों में मजबूत करने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बीजेपी इस महीने के अंत तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने सभी मोर्चा के पदाधिकारियों को 48 घंटे प्रवास की जिम्मेदारी देने के प्लान में है। इसके अनुसार ओबीसी मोर्चा को ओबीसी बहुल विधानसभा सीट, एससी मोर्चा को एससी बहुल सीट, किसान मोर्चा को किसान बहुल सीट के साथ साथ अल्पसंख्यक मोर्चा, युवा मोर्चा और महिला मोर्चा को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। राजा राममोहन राय और अलेक्जेंडर डफ ने आज ही के दिन 1803 में 5 छात्रों के साथ स्कॉटिश चर्च कॉलेज शुरू किया। कलकत्ता के साप्ताहिक समाचार पत्र संजीवनी ने आज ही के दिन साल 1905 में ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का सर्वधर्म सुझाव दिया था। लंदन में चौथा आधुनिक ओलंपिक खेल आज ही के दिन साल 1908 में शुरू हुआ। जतेंद्रनाथ दास ने आज ही के दिन 1929 में ऐतिहासिक भूख हड़ताल की शुरुआत की। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में साल 2011 में तिहरे बम धमाकों से दल उठी थी। ये धमाके मुंबई के झवेरी बाजार, ओपेरा हाउस और दादर में हुए थे। उद्योगपति तुलसी प्रसाद खेतान का जन्म आज ही के दिन साल 1913 में हुआ था। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री बीना राय का जन्म साल 1932 में आज ही के दिन हुआ। उपन्यासकार आशापूर्ण देवी का निधन साल 1995 में आज ही के दिन हुआ था। व्हाट्सएप ने हटाई सारी बंदिशें। व्हाट्सएप रिएक्शन फीचर को रोल आउट होने के 2 महीने बाद बड़ा अपडेट मिल रहा है। दरअसल पहले यह फीचर केवल 6 रिएक्शन लाइक, लव, लाफ, सरप्राइज, सैड और थैंक्स तक सीमित था, लेकिन अब यूजर मैसेज पर रिएक्शन करते समय किसी भी इमोजी का उपयोग कर सकेंगे। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने खुद इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इस नई सुविधा की घोषणा की। रिएक्शन अपडेट के रोल आउट की घोषणा करते हुए मार्क ने अपने पोस्ट में रिएक्शन के लिए अपने कुछ पसंदीदा इमोजी भी शेयर किए, जिनमें रोबोट फेस, फ्रेंच फ्राइज, मैन सर्फिंग, सनग्लासेस स्माइली, 100% सिंबल और फिस्ट बम्प शामिल है। आरसीपी सिंह ने दी पूर्व मंत्री स्वर्गीय नरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बीते दिन जमुई पहुंचे, जहां खैरा प्रखंड के पकड़ी गांव में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ समाजवादी नेता व जेपी आंदोलन के सेनानी स्वर्गीय नरेंद्र सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने उनके पुत्र व बिहार सरकार में मंत्री सुमित सिंह से भी मुलाकात की। इस दौरान आरसीपी सिंह ने नरेंद्र बाबू को राजनीति का शिखर पुरुष बताया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जेपी एवं लोहिया के अच्छे अनुयायी थे और अपने समस्त जीवन में उन्होंने कभी भी विचारधारा से समझौता नहीं किया। कृषि मंत्री रहते हुए बिहार का नाम पूरे देश में रोशन किया। बिहार में मिले कोविड-19 के 400 से ज्यादा मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 436 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 2344 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1, अरवल में 4, औरंगाबाद में 8, बांका में 10, बेगूसराय में 11, भागलपुर में 41, भोजपुर में 4, दरभंगा में 4, पूर्वी चंपारण में 1, गया में 12, जमुई में 1, जहानाबाद में 6, कटिहार में 2, खगड़िया में 22, किशनगंज में 4, लखीसराय में 1, मधुबनी में 4, मुंगेर में 9, मुजफ्फरपुर में 10, नालंदा में 6, नवादा में 5, पटना में 192, पूर्णिया में 12, रोहतास में 9, सहरसा में 6, समस्तीपुर में 1, सारण में 15, शेखपुरा में 1, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 5, सिवान में 8, सुपौल में 4, वैशाली में 7 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 9 ऐसे मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो कि दूसरे राज्य के हैं, लेकिन सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,27,632 सैंपल की जांच की गई। इस दौरान 361 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे। पहले वनडे में भारत को मिली शानदार जीत। इंग्लैंड बनाम भारत के बीच बीते दिन खेले गए पहले एक दिवसीय मुकाबले में इंग्लैंड की टीम महज 110 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, वह भी सिर्फ 25 ओवर के अंदर। 111 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी ने बिना विकेट गिरे 18.4 ओवर में हासिल कर लिया। रोहित ने इस दौरान 58 गेंदों पर 76 रनों की पारी खेली, वहीं धवन ने 31 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह को उनके लाजवाब प्रदर्शन की वजह मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। टीम इंडिया की इस जीत के हीरो रहे जसप्रीत बुमराह ने अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए 7.2 ओवर में 19 रन खर्च कर 6 विकेट चटकाए और इसी के साथ भारत ने इंग्लैंड टीम को कुल 10 विकेट से रौंदा। सीरीज का दूसरा मुकाबला 14 जुलाई को लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाना है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स ने सही जवाब दिया है उनके नाम है जीके प्लस, गौतम कुमार, दिवाकर कुमार, पंकज कुमार, रोहतास, शंकर मुखिया, मोहम्मद अफसर, रुपेश कुमार, अधिक खान, राहुल कुमार, नूनू कुमार, रवि कुमार, जितेंद्र कुमार, राणा चंद्र भूषण सिंह, निरंजन कुशवाहा, शिव शक्ति, विपिन यादव, मोहम्मद सिराज, दीपू तिवारी, कृष्ण कुमार, राहुल कुमार, जयकिशन, अंकित कुमार, रुपेश कुमार। आप सभी इसी तरह हमारे सवालों का जवाब कमेंट में देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर, और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की तेजस्वी यादव की मांग से आप सहमत हैं या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बिहार से जुड़े खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।